हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल फूड सप्लीमेंट में आप लोगों का बहुत स्वागत है। लास्ट आज हम बात करने वाले न्यूट्रिशन क्लासेस के बारे में, ये है डे टू न्यूट्रिशन क्लासेस का। लास्ट न्यूट्रिशन क्लासेस में डे वन में हमने जो बात की थी वो मैंने आपको न्यूट्रिशन के सिक्स बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, कौन से होते हैं वो फिर मैं रिपीट करता हूँ एक बार आपको। सिक्स न्यूट्रिशन थे, वो थे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिंस। तो आज हम इन सभी में डे बाई डे हमने जो चैप्टर बनाया है उसमें हम डिटेल में बात करेंगे पूरे सिक्स के सिक्स बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमारा जो पहला न्यूट्रिशन है डे टू का न्यूट्रिशन क्लासेस का, डे टू का जो पहला जो न्यूट्रिशन है वो है कार्बोहाइड्रेट। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो बने ये वीडियो के अंत तक, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पता चले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कौन सी डाइट लें कार्बोहाइड्रेट में जिसमें हाई कार्ब्स है, मीडियम कार्ब्स है और लो कार्ब्स है। इन सभी डाइट के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना और नोट करना है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये जान लो कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर को भी कार्ब्स बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, शुगर, सैचराइड्स, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही नाम हैं। तो इनसे एनर्जी जिसको बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ही बोला जाता है। कार्बो खाने से आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है बॉडी में, जितनी भी आप वर्कआउट करते हो, है ना, जो भी वर्कआउट करते हो, जो भी अपनी बॉडी में आप एनर्जी वाला काम करते हो वो आपको कार्ब से ही मिलती है, जो हमारी के डेली वर्कआउट में डेली काम करने की समर्थता को बनाए रखती है। यदि अगर आप जो भी वर्क करते हो, कोई भी पर्सन है किसी प्रकार का भी काम करता है, उनमें बॉडी में जो एनर्जी मेंटेन रहती है वो कार्बोहाइड्रेट ही हमें देता है। तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों सिक्स कार्बन आपस में मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट थ्री टाइप्स के होते हैं, मोनोसैचराइड्स, ओलिगोसैचराइड्स एंड पॉलीसैचराइड्स। ये आगे भी इनके आगे भी डेफिनेशन हैं, जैसे मोनोसैचराइड है वो भी आगे, उनके भी आगे टाइप्स हैं, पॉलीसैचराइड्स के भी आगे के टाइप्स हैं और ओलिगोसैचराइड्स के भी आगे के टाइप्स हैं। वो अगर इन सभी में डिटेल में हम जानकारी लेंगे तो वीडियो है जो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं फुल डिटेल में आपको ये जानकारी नहीं दूंगा। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको लोगों को बताऊंगा मैं, कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, कौन सी डाइट में ये कितनी हमें जो कैलरीज या कार्ब्स है वो मिलने वाली है, कौन सी हाई कार्ब्स है, कौन लो कार्ब्स है, कौन सी मीडियम है, वो उसके बारे में बात करेंगे। कार्ब्स का मेन काम क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये कार्ब्स का मेन काम है, हमने किस डाइट से हमें हाई एनर्जी मिलती है, लो मिलती है, उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये जब भी आप वर्कआउट करते हो तो हमें जो पावर की ज़रूरत होती है वो पावर जो हमें मिलने वाली होती है वो कार्ब से ही मिलती है। तो उसकी जो डाइट हमें लेनी चाहिए जिससे हमें हाई एनर्जी मिले, मीडियम एनर्जी मिले और लो एनर्जी मिले, उसकी कौन सी डाइट है जिसको आप खाते हो ध्यान रख सके, हाँ भी ये मैं लो कार्ब से ले रहा हूँ, ये हाई कार्ब से ले रहा हूँ और ये मीडियम कार्ब से ले रहा हूँ, वो कौन सी डाइट होगी जिसको आप नॉलेज में अपनी में रख सकें, ताकि कल को आप अगर वर्कआउट लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए अभी वर्कआउट से पहले जो मैंने लो कार्ब से लेनी है वो लो कार्ब्स वाली डाइट कौन सी है, और जो हाई कार्ब से लेनी है आफ्टर वर्कआउट वो हाई कार्ब्स कौन सी होनी चाहिए, और जो मीडियम कार्ब्स वाली डाइट कौन सी होनी चाहिए जो मैं किसी भी टाइम ले सकता हूँ। तो ये चीज़ का बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता भी कौन सी डाइट में कितनी हाई कैलरीज है, कितनी हाई कार्ब्स है, तो ये चीज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अब हम कार्ब्स के बारे में तो जान लिया हमने, तो अब हम इसकी डाइट्स के बारे में जानते हैं कि कौन सी डाइट में कौन सी कार्ब्स पाई जाती है, जैसे हाई कार्ब्स कौन सी डाइट में है, मीडियम कार्ब्स कौन सी डाइट में है और लो कार्ब्स कौन सी डाइट में है। अब इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हाई कार्ब्स के बारे में, इसको जीआई बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, है ना, इसको बोला जाता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो आप सीधा टॉपिक में आप बोल सकते हो कि हाई कार्ब्स, है ना, हाई कार्बोहाइड्रेट कौन सी डाइट में होते हैं, पहले तो हाई के बारे में बात कर लेते हैं। जो हाई कार्ब्स जिनमें से आपको हाई एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है खाने से बाद, तो वो कौन सी डाइट होती है आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। तो पहली डाइट है जैसे ग्लूकोज, जिसमें आपको 70-100% तक की एनर्जी मिलती है, जिसमें आपको जो आप डाइट खाओगे तो उसको आपको एनर्जी जो प्रोवाइड होगी वो 70-100% की मिलेगी, तो वो है आपकी डाइट पहली है। जैसे ग्लूकोज, फ्रूट जूस, कोई भी आप मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं उसमें भी हाई कैलरीज होती हैं, हाई एनर्जी होती है। तो और दूसरा है जैसे कॉर्नफ्लैक्स हो गया, वाइट राइस हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया और सेलमीना हो गया, शुगर कैंडीज जो मीठी ट्रॉफियाँ होती हैं, जो कुछ भी होता है ना, और फ्रूट्स जैसे कि लाइक लीची, ग्रेप्स, वाटरमेलन और स्वीट पोटैटो, है ना, स्वीट पोटैटो उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स होते हैं, हाई एनर्जी होती है, और शुगर केक, जो भी शुगर के केक बने होते हैं, इन सभी में हाई एनर्जी होती है। अगर इसको आप आफ्टर वर्कआउट लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप इसको अगर आप पूरे डे में ही हाई एनर्जी की डाइट ले रहे हैं तो वो क्या है,
आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी आपको चाहिए होती है वो स्टोर होने के बाद दो जगह आपकी जगह आपकी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो दो जगह होती है, एक लीवर में और एक मसल में। जब ये दोनों जगह में एनर्जी आपकी फुल हो जाती है ना, भर जाती है, जब उसके बाद भी अगर आप एनर्जी ले रहे हो तो वो फैट में बदल जाएगी। तो आपने ओवर कार्बोहाइड्रेट ओवर कार्ब्स नहीं लेने हैं डाइट में, वो ध्यान रखना। पहले तो अपना गोल सेट करो, उसके बाद अपनी कार्ब्स डाइट को सेट करो, फिर अपने कार्ब्स डाइट को लेना आप। तो ओवर कार्ब्स भी लेने से भी आपकी फैट जो बढ़ेगी, तो उतनी डाइट लो उतनी कार्ब्स लो जितनी आपकी डेली यूज में आपकी एनर्जी यूज में आती है, तो उसके हिसाब से अपने कार्ब्स डाइट को आप सेट करो। तो ये थी कार्ब्स, हाई कार्ब्स डाइट। अब हम बात करते हैं मीडियम कार्ब्स डाइट की। जो मीडियम कार्ब्स डाइट है वो 50-70% होती है जिसमें एनर्जी होती है डाइट में, वो कौन सी है वो नोट कर लीजिए। ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, इनमें मीडियम कार्ब्स होती है, जैसे वीट, ओट्स, मैंगो, बनाना और पोटैटो, इन सभी डाइट्स में आपको मीडियम कार्ब्स देखने को मिलेगी, जिससे आपको एक नॉर्मल एनर्जी प्रोवाइड बॉडी को मिलती रहेगी, है ना। इसमें इस डाइट के सेवन करने से आपको जो एनर्जी प्रोवाइड होने वाली है वो एक नॉर्मल होने वाली है, मीडियम होने साइज की होने वाली है, जिसको आपको मीडियम एनर्जी आपको मिलती रहेगी। तो ये थी एक मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम कार्बोहाइड्रेट। तो अब बात करते हैं लो की भी, आप लो डाइट, लो कार्ब्स जिसमें होती हैं वो डाइट किस टाइम लेनी होती है। जैसे पहले प्री वर्कआउट से पहले जो डाइट ली जाती है वो लो कार्ब्स की होती है, पर डे में ली जाती है वो लो कार्ब्स की होती है, क्योंकि हमने जो अपनी एनर्जी बॉडी में स्टोर है वो तो हमने वेस्ट की नहीं। तो जो हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हाई कार्बोहाइड्रेट की डाइट लें, वो हाई कार्बोहाइड्रेट तभी ली जाती है जब आपने अपनी बॉडी की एनर्जी जो पूरी वेस्ट कर दी है जिम लगाकर, तो आफ्टर वर्कआउट आपको जो एनर्जी चाहिए वो हाई चाहिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वापस स्टोर हो सके, क्योंकि आपने एनर्जी अपनी बॉडी की जो वेस्ट कर दी ऑलरेडी। इसलिए जो पोस्ट वर्कआउट डाइट ली जाएगी वो हाई कार्ब्स की ली जाएगी, उसके पहले जो ली जाएगी वो मीडियम और लो दोनों ले सकते हैं। अगर आपने लो कार्ब्स लेनी है तो वो कौन सी, अब वो नोट कर लीजिए, लो कार्ब्स कौन सी है, लो मीडियम डाइट कौन सी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन से हैं, लो कार्ब्स कौन सी है, वो आप नोट कर लीजिए। कुछ फ्रूट्स अगर आप लेते हो तो उसमें आपको लो कार्ब्स देखने को मिलेगी, और कुछ वेजिटेबल्स हैं जितनी भी आप सब्जियां खाते हो है ना, उनमें भी आपको जो लो कार्ब्स देखने को लिए मिलेगी, लो एनर्जी आपकी बॉडी में वो मिलेगी। और जैसे कि मिल्क आप ले सकते हैं, मिल्क में भी आपको लो कार्ब्स देखने के लिए मिलेगी है ना, या मिल्क से बने प्रोडक्ट जो भी उनमें आपको लो कार्ब्स मिलेगी, जिससे आपको जो एनर्जी लेवल है वो लो मिलेगा। तो ये थी, मतलब कि कह सकते हैं 50% जो एनर्जी आपको मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कुछ हैं जो जिनसे आपको जो मतलब कि 50% की एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगी, आपकी बॉडी में जो एनर्जी मिलेगी वो 50% की मिलेगी इन डाइट्स अगर आप सेवन करते हैं। तो इन बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये थी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट, हाई कार्ब्स कौन सी है, कब लेनी चाहिए, हाई कार्ब्स आपने पोस्ट वर्कआउट लेनी है जब आपने, क्योंकि जब आप वर्कआउट लगाते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो आपने वेस्ट कर दी है, 1.5 से 2 घंटे का जो भी आपका वर्कआउट है आपकी एनर्जी है जो वेस्ट हो चुकी है, अब आपने उस एनर्जी को रिस्टोर करना, वो हाई होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए, मीडियम नहीं होनी चाहिए, वो हाई होनी चाहिए। अगर आप वर्कआउट लगाने जा रहे हो तो उसके पहले आपको जो एनर्जी इंक्रीज़ करनी है वो मीडियम और लो डाइट से आप कर सकते हैं, हाई से नहीं करनी है, मीडियम और लो डाइट होनी चाहिए वो वर्कआउट से पहले। वर्कआउट के बाद आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी ने जो आपका शुगर लेवल है, जो अपना आपका जो कार्ब्स लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो डाउन हो चुका है, क्योंकि आपने वो वर्कआउट से उसको यूज़ कर लिया, उस स्टोर एनर्जी को यूज़ कर लिया है, अब उसको दोबारा रीफिल करने के लिए आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो आपको आफ्टर वर्कआउट ही खानी होगी वो डाइट। तो हाई डाइट है जो हाई कार्ब्स की डाइट है वो आपको आफ्टर वर्कआउट ही खानी है। तो इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों, आज का ये टॉपिक था हमारे कार्ब्स के ऊपर जो हमने कवर किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं डे 3 में, और जिसमें हम अगले वाले न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे, न्यूट्रिशन 2 के बारे में। थैंक यू सो मच।